नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रहीं संपूर्ण भारत में। अगर हम सबसे पहले हम आरंभ करेंगे सब डिविजनल मैप को, अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं भारी से भारी, अत्यंत भारी वर्षा जिसको हम कह सकते हैं, वो गाढ़े नीले रंग में से दिखाई गई है। जो खासकर अगर आप देखें पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें, उसमें गाढ़े नीले रंग, हल्के नीले रंग में दिखाया गया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें, केरल, कर्नाटक के तटीय भाग, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, इन जगहों पे दिखाई गई है। अगर हम उत्तराखंड, पंजाब की बात करें, पूर्वी महाराष्ट्र की बात करें, हल्के नीले रंगों से दिखाई गई है। अगर कर्नाटक की बात करें, यहाँ भी हल्के नीले रंगों से दिखाई गई है। साथ ही साथ अभी हम देख सकते हैं लक्षद्वीप और अंडमान के इन भागों में, अंडमान निकोबार के इन भागों में भी गाढ़े नीले रंगों से दिखाई गई है। तो ये सूचित कर रहा है काफ़ी अच्छी भारी से भारी वर्षा, और भारी वर्षा इन जगहों पे दर्ज की गई है। साथ ही साथ हरे रंगों में जिन जगहों को दिखाया गया, वहाँ पे वर्षा की जो गति या तीव्रता थी वो औसत से या कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा यहाँ पे हुई है। अब हम चलते हैं मानसून के जो ये दूसरे मैप में, अगर हम चले देखें तो आप देख सकते हैं जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, हरियाणा, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ये हरे और नीले रंग से, हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें, इन जगहों पर हरे रंगों से दिखाया गया, लक्षद्वीप को भी हरे रंगों से दिखाया गया। तो यहाँ पे जो स्थिति थी मानसून की, हम अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें तो ये नॉर्मल, ये अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। हालांकि जिन जगहों को लाल रंगों से दिखाया गया, वहाँ पे एक तरह से मानसून की जो स्थिति है वो कमजोर है, या एक तरह से ब्रेक इन की स्थिति हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें आज कहाँ पे भारी से भारी वर्षा हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कोस्टल कर्नाटका में काफ़ी हैवी रेन हुआ इन जगहों पे, और साथ ही साथ अगर हम बोले भारी वर्षा तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला, माहे, हरियाणा, चंडीगढ़, इन जगहों पे, पंजाब, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम, इन जगहों पर भारी वर्षा या भारी से भारी वर्षा देखने को मिली हमको पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए हम देखते हैं अगर 24 घंटों के दौरान वर्षा क्या दर्ज हुई है हमारे वेधशालाओं में। सो अगर हम 7 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा की वर्षा को अगर हम देखें, गोकामा उत्तर कनाडा में 18 सेंटीमीटर, अलीपुरद्वार, सिंगरौली, जलपाईगुड़ी में 12, लोहारडागा, रांची में 11 सेंटीमीटर, बर्धमान, वेस्ट मिदनापुर में 10, पुरुलिया, अनूपपुर, दार्जिलिंग में 9, बलरामपुर, श्योपुर, शिवमोगा, तंजावुर, जगन्नाथ प्रसाद, कासरगोड़, धौलपुर, जमशेदपुर, गिरिडीह, पूर्णिया में 8 सेंटीमीटर, धार, सोनीपत, पटियाला, कोट्टायम, कोझिकोड, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, हमीरपुर, गंजाम और चिंतूर में और अलवर में 7 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा की वर्षा इन जगहों पर, प्रत्येक जगहों पर दर्ज की गई है। सो आप देख सकते हैं ये जो संख्या है, ये एक तरह से हैवी रेन और कई जगहों पे भारी से भारी वर्षा को दर्शाता है। आइए देखते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन क्या है। ये आज अगर हम देखें इमेज को, सबसे पहले अगर नॉर्थ से देखें तो एकदम आपका अफगानिस्तान और उस भाग में पश्चिमी विक्षोभ WD या साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आते हैं मानसून ट्रफ की स्थिति। जैसा कि हम पूर्वानुमान करते आ रहे हैं, मानसून ट्रफ की स्थिति अब ये अगर हम इसके पश्चिमी भाग को या देखें, पश्चिमी छोर को देखें, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, नॉर्मल पोजीशन में कह सकते हैं। और अगर हम इसका जो पूर्वी भाग है, जो इसका पूर्वी छोर है जो हम बोलेंगे, अब आप देखिए ये पूरी तरीके से फुटीला हिमालय के पास पहुंचने लगा है। तो जैसा कि हम पूर्वानुमान करते आ रहे हैं, पश्चिमी जगह में इन जगहों पर, चूँकि इनके पोजिशन पर मानसून ट्रफ है, उत्तरी भारत और इन जगहों पर अभी काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। हालाँकि जो पश्चिमी छोर है वो भी अब फुटहिल्स ऑफ हिमालय जिसको कह सकते हैं, उन जगहों पे जा रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हम लो प्रेशर सिस्टम बोलेंगे, या एक तरह से जो पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के ऊपर था, वो वीकन होता गया, कमजोर होता गया, अब वो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश या कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के इस भाग में
दिखाया जा रहा है, जो कुछ इसके भाग सटे हुए हैं वो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश की जगह को भी वो दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह का ये मॉनसून ट्रफ की स्थिति बनी हुई है, इन स्थिति में धीरे धीरे ये मॉनसून ट्रफ ये आने वाले 10 तारीख तक ये और नॉर्थ की तरफ ये इसका प्रसार होगा या आगे बढ़ेगा। अगर हम सैटेलाइट की इमेज को देखें, सैटेलाइट की इमेज में भी जिस तरह से सिनॉप्टिक की सिचुएशन अभी हमने बताई, उसी तरह की कंडीशन दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वी राज्य, खासकर अगर हम झारखंड, बिहार, मध्य और पश्चिम बंगाल की बात करें, इन जगहों पर क्लाउड का जमावड़ा क्लस्टर्स के रूप में, छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में, कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में दिख रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली और आसपास से सटे राज्य में भी क्लाउड और इसकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। जैसा कि आज सुबह से हम दिल्ली में देख रहे हैं बरसात हो रही है। सो एक तरह से ये जो मॉनसून ट्रफ की स्थिति है, ये धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ेगी। और अगर हम विंड की देखें, जैसा कि आप यहाँ पे हवाएं देख रहे हैं, सिनॉप्टिक वाले अगर इमेज को देखें, सिनॉप्टिक इमेज, यहाँ से विंड जा रही है, यहाँ से नमी लेते हुए ये लैंड की तरफ जा रही है, जिसके कारण इन जगहों पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होने की संभावना आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। इस तरह से पूर्वी राज्य और ये पूर्वोत्तर राज्य, इन जगहों पर एक अच्छी मॉनसून की कंडीशन बनने जा रही है। जैसा कि मॉनसून ट्रफ भी ये उत्तरी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। अगर हम मौसम की चेतावनी अगले 5 दिनों में देखें, जैसा मैंने कहा, अगर 8 की स्थिति देखें, पूर्वोत्तर राज्य में ये ऑरेंज अलर्ट इन जगहों पर बनाया गया है, इन जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप इन जगहों में बाकी जगहों में देखें, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, साथ ही साथ भारी वर्षा को भी येलो पीले कलर में दिखाया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन जगहों पे एक अच्छी वर्षा होने की पूरी संभावना दिख रही है। अब आते हैं 9 तारीख को। अगर हम 9 तारीख को भी देखें, जो व्यवस्था है, जो एक तरह से सिचुएशन है, वो एक तरह से मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, साथ में साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही अगर हम दक्षिणी भाग में जाए, तमिलनाडु, केरला, इन जगहों पर भी वर्षा और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दिख रही। 10 तारीख को भी स्थिति यथावत रह रही, हालांकि मध्य भारत से और इन जगहों से ये कमी है। यहाँ पे अब हरे कलर में दिखाया गया है, इन जगहों पे पूर्वोत्तर राज्य और एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थिति यहाँ पे वर्षा की और थंडरस्टॉर्म उसकी एक्टिविटी की दिख रही, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। 11-12 तारीख को भी स्थिति लगभग सामान्यता उन्हीं तरह से रहेगी, हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थिति अब ये आपको देखने को यहाँ पे अब मिल सकती है 11-12 तारीख को। हालांकि अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण तमिलनाडु और उन जगहों पे, दक्षिणी भारत की बात करें, इन जगहों पे स्थिति रेन, जिसको कहते हैं वर्षा, थंडरस्टॉर्म की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आपसे अनुरोध रहेगा फिर से एक बार मेरा कि आप इन मौसम ऐप, धामनी ऐप, मेघदूत ऐप को डाउनलोड करिए, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।